वायरल झारसुड़ा आपके सामने लेके आए हैं एक चौंका देने वाला खबर। झारसुड़ा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 दिनों में गई 5 लोगों की जान, जिसमें से 3 कोरोना के मरीज थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कोविड आइसोलेशन वार्ड की, जहां पे एक आदमी की लाश नीचे जमीन पे पड़ी हुई है। ये आदमी अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आया था, पर सही समय पे इलाज ना मिल पाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई और कल रात से इनकी लाश यहीं पड़ी हुई है। और कोविड टेस्ट के बाद पता चला कि ये कोविड नेगेटिव है। और एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, इनको भी सही समय पे इलाज ना मिल पाने के कारण सुबह 11 बजे निधन हो गया। इनका कोविड रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। मानो भैया, ये मेरे पिताजी है, इनको भी ट्रीटमेंट नहीं मिला है बोल के आज ये मेरे बीच में नहीं है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल कसाई खाना बन गया है। आज मेरे पापा का भी जान लिया, हॉस्पिटल ले लिया। सुबह से मैं इनके पीछे पड़ा था कि देखिए देखिए, जैसे भी करके मेरे पिताजी को तो देख लें, डॉक्टर आएगा, चेक करेगा, देखेगा, नर्स लोन बोलते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। आज मेरे पिताजी हम लोग के बीच में नहीं रहे। कोरोना पेशेंट जबरदस्ती बोल के कोरोना ला के रखा हुआ है। मेरा पेशेंट को कल रात तक का डॉक्टर दिखने नहीं आया, कुछ चीज़ हुआ नहीं, मेरा पेशेंट का जान चले गया। कल भोर से मरा हुआ एक तो पेशेंट लवारिस लाश जैसा यहाँ पर पड़ा हुआ, कोई मतलब नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, ना सीडोमो, ना कलेक्टर, ना यहाँ पर कोई आदमी का पता नहीं है, डॉक्टर आता नहीं, किसी को भी बोलने से बड़ा बड़ा खाली बात करते हैं, डॉक्टर चेकिंग के लिए आता ही नहीं। इसका मेरे को जवाब चाहिए कि यहाँ पर पेशेंट को देखने के लिए किसका जिम्मेदारी है, एडीएमओ, सीडीएमओ की कलेक्टर? बेफजूल में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग टाउन का होने वाले, हम लोग के साथ ऐसा गाँव देहात वाले लोगों के साथ क्या होता हो? यहाँ इतना इतने पेशेंट है, सब कोई बेचारे सदमा में बैठे हुए हैं, सब डॉक्टर ही नहीं आता है चेक करने। कल यानी बीते शनिवार को झारसुड़ा में 3 कोविड पेशेंट की जान गई, जिसमें से कोविड हॉस्पिटल मंगल बाजार में एक महिला की दोपहर 12 बजे मौत हुई और 2 कोविड मरीज जो कि झारसुड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कोविड आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे, एक की सुबह 8 बजे और दूसरे की दोपहर 3 बजे मौत हुई। हमारा प्रशासन से 2 सवाल पूछना है। पहला सवाल यह है कि कोविड से हो रहे मृत्यु के बारे में प्रशासन द्वारा क्यों स्पष्ट सूचना नहीं दी जा रही है? और दूसरा जो कि जनता का सवाल है कि जो कोविड के मरीज नहीं है उन सबका अभी क्यों सही से इलाज नहीं हो पा रहा है?